हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं एलोवेरा के लड्डू। एलोवेरा के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कितना गुणकारी है ये लड्डू जो है ये कमर दर्द, जोड़ों के दर्द व हड्डियों को मजबूत करते हैं और बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। तो एलोवेरा लड्डू बनाने के लिए हमने एक स्टिक एलोवेरा का लिया है, एक कटोरी आटा, देसी घी, किशमिश और ये ड्राई फ्रूट है, इसमें हमने काजू बादाम और गरी को फ्राई करके फिर हमने पाउडर बना लिया, चीनी पाउडर और ये बतरीसू पाउडर है। बतरीसू पाउडर में सफेद मिर्च, जावित्री, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, पीपरी, सफेद मुसली, सौंठ, काली मिर्च व काली मुसली व जायफल है, इसको हमने पाउडर बना के रखा हुआ है। एलोवेरा की स्टिक को जो है इस तरफ से इसके कांटे हैं इसको काट ले, दोनों तरफ इस तरह से काट ले इसको, और इसको बीच से भी छिलका उतारना, धीरे से इसका छिलका उतारे, और ये जो इसकी जेल है इसको हमने चम्मच से इस तरह से निकाल लेना है, जेल को इस तरह से सारे एलोवेरा की जेल इसी तरह से निकाल लें छिलका उतार के। को हमने निकाल लिया है, लगभग पौनी कटोरी जेल है ये। गैस पर हम कढ़ाई रखेंगे, उसमें हमने देसी घी डालना है, 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे और 1 कटोरी जो आटा है ये हमारा, इसको हमने अच्छे से भूनना है इसमें ब्राउन कलर आने तक। आटा हमारा भून चुका है, गैस को हमने थोड़ी देर सिम कर दिया था, फिर तेज कर लें, इसी तरह इसको ब्राउन कलर आने तक भूने, इसमें खुशबू भी आने लगी है। अब इसको हमने प्लेट में निकाल लेना है। इसी कढ़ाई में हमने 1 चम्मच घी का डालना है और इसमें हमने ये एलोवेरा जो रखा है इसको हमने भूनना है, एलोवेरा को अच्छी तरह हमने फ्राई करना है 2-3 मिनट तक, इसी तरह से इसको भूनना, गैस को सीम कर दें। एलोवेरा जेल भी हमारी भून चुकी है, इसको 2-3 मिनट तक हमने भून लिया, अब हम गैस को बंद कर देंगे। वो भी हम इस आटे में मिला देंगे, जो भुना हुआ आटा इसमें मिला देंगे, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम डाल देंगे ये ड्राई फ्रूट का पाउडर है और बतरीसू पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच डालेंगे हम, ये ज़्यादा है, चीनी पाउडर वो आप अपने हिसाब से डाल लें, और किशमिश, इस सब को हमने मिक्स करना है अच्छी तरह, उसके बाद इसके हमने लड्डू बांधने हैं। हमने इस सब मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया, अब हम हाथ से इसके लड्डू बांधेंगे। लड्डू आप अपने हिसाब से बड़े छोटे जैसे भी बांध लें, इस तरह से एक साइज का लड्डू बांध लें या पिन्नी का आकार भी दे सकते हो आप, जो भी आपको पसंद हो, इस तरह से लड्डू बांध के इसके रख लें। एलोवेरा लड्डू खाने के लिए तैयार हैं, ये बहुत ही फायदेमंद है, जोड़ों का दर्द और कमर दर्द तो इससे कितना भी पुराना हो चला जाता है, जरूर बना कर देखें, बुजुर्गों के लिए भी बना कर दें, बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर देना, थैंक यू।